हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिट अप। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीएसई के क्लास 12th के पाइथन के फर्स्ट चैप्टर के रिवीजन टूल के बारे में। ऑलरेडी एक वीडियो हम इस पे बना चुके हैं और ये उस वीडियो का यानी कि हमारे फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो है उसका ये जो सेकंड पार्ट है ये भी बिल्कुल उसी में कंटिन्यूटी में मैं बता रहा हूँ, जिसमें हमें पढ़ना है कि कंपाउंड स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, सिंपल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं और एम्प्टी स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? जब आपके पास एक से ज्यादा स्टेटमेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट मतलब कोई भी एक सिंगल स्टेटमेंट जो होता है उसको कहते हैं सिंगल स्टेटमेंट। और एम्प्टी का मतलब होता है कुछ नहीं, मतलब कुछ ऐसा ब्लॉक, मतलब ऐसा कुछ जहां पे कोई स्टेटमेंट ही एग्जिस्ट नहीं करता है। तो वही कंपाउंड स्टेटमेंट का डेफिनेशन लिखा हुआ है कि कंपाउंड स्टेटमेंट इज सॉरी रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ व्हाट स्टेटमेंट्स, ठीक है, एग्जीक्यूट्स एज अ यूनिट। यानी कि ये वो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जो एक यूनिट की तरह क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। इन सिंपलर वर्ड्स यानी सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट यानी बहुत सारे स्टेटमेंट्स का कलेक्शन विच एग्जीक्यूट्स एज अ होल, मतलब जो एक साथ एग्जीक्यूट करता है वो क्या कहलाता है, कंपाउंड स्टेटमेंट कहलाता है, ठीक है। और फिर आते हैं सिंपल स्टेटमेंट पे, तो एनी सिंगल स्टेटमेंट, कोई भी एक सिंगल स्टेटमेंट जो हो वो क्या कहलाता है, सिंपल स्टेटमेंट कहलाता है। और एम्प्टी मतलब द सिंपलेस्ट स्टेटमेंट इज द एम्प्टी स्टेटमेंट, दैट इज अ स्टेटमेंट विच डू नॉट पास विच डू नॉट डू नथिंग, मतलब जो कुछ नहीं करता है। और जो हमारा ये पास स्टेटमेंट है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एम्प्टी स्टेटमेंट कहते हैं। यानी पास जो है हमारा वो कहलाता है एम्प्टी स्टेटमेंट। अब आगे आते हैं, हमें जो पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो इस पार्ट टू में पढ़ना है यानी चैप्टर वन के पार्ट टू में, वो है हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पूरे 11th में आपको इसी पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया होगा, जिसमें हमको बताया गया है कि यूजुअली हमारा जो प्रोग्राम होता है पाइथन का वो स्टेटमेंट बाई स्टेटमेंट यानी वन बाई वन क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। लेकिन हम चाहें तो उसको सिलेक्शन के बेस पे यानी किसी पर्टिकुलर कंडीशन के बेस पे भी क्या कर सकते हैं, हम उसके एग्जीक्यूशन को बार बार कर सकते हैं या एग्जीक्यूट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो उन्हें हम लोग कहते हैं सिक्वेंशियल सिलेक्शन और इटरेटिव। मतलब द स्टेटमेंट्स इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ना कि सिर्फ पाइथन, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है एग्जीक्यूट तीन तरीके से ही होते हैं। पहला होता है सिक्वेंसली मतलब वन बाय वन, सिलेक्शन मतलब किसी कंडीशन के बेस पे हम ये देखेंगे कि कोई कंडीशन एग्जीक्यूट करना मतलब कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है नहीं करना है। और इटरेटिव मतलब बार बार एक ही चीज को हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इटरेटिव स्टेटमेंट। अब इसमें जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हम ये सिक्वेंसियल तो अभी तक करते आए हैं, मतलब अभी तक हमने जो भी प्रोग्रामिंग की है वो सिक्वेंसियल प्रोग्रामिंग ही है, यानी कि वन बाई वन ही सारी चीजें क्या होती हैं, एग्जीक्यूट होती हैं। सिलेक्शन और इटरेटिव ये दोनों जो आते हैं वो कंट्रोल स्टेटमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं। तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स किसे कहते हैं, तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड यानी कंट्रोल स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हैं अस अ वे टू एग्जीक्यूट अ सिंगल स्टेटमेंट, यानी कि हम एक सिंगल स्टेटमेंट को और अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन, मतलब कि हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं किसी एक स्टेटमेंट को या मल्टीपल स्टेटमेंट को किसी कंडीशन के बेस पे। पाइथन प्रोवाइड्स टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स, ठीक है, पहला होता है सिलेक्शन जिसमें हम इफ को यूज करते हैं और दूसरा होता है लूपिंग जिसमें हम व्हाइल या फॉर का यूज करते हैं। इन दोनों को आपने 11th में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, यहाँ पे बस एज अ रिविजन टूल पढ़ना है। If स्टेटमेंट क्या होता है, आपको पता है कि if allows us the facility to check for a particular condition, मतलब ये किसी particular condition के लिए check करता है, and if the condition is true, और अगर condition true होता है the statement will be executed, तभी वो statement क्या किया जाएगा, execute किया जाएगा, otherwise execute नहीं किया जाएगा। मतलब there will be a condition like syntax, देखिए syntax one, बहुत सारे syntax होते हैं इसके, आपने if लिखा और फिर यहाँ दिया condition, अब ये condition अगर true होगा, मतलब ये condition अगर क्या है, true है, सिर्फ तभी ये स्टेटमेंट्स क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल में मैं कहता हूँ एज इक्वल टू 20, आपने एज नाम का वेरिएबल लिया उसमें 20 डाल दिया, आप कहते हैं एज 18 से बड़ा है, तो यहाँ चेक करेगा 20 जो है 18 से बड़ा है, बिल्कुल ट्रू हुआ तो ये प्रिंट कर देगा क्या, एलिजिबल फॉर वोटिंग। अगर ऐसा नहीं होता तो ये प्रिंट नहीं होता, मतलब इसके इस स्टेटमेंट के प्रिंट होने का कंडीशन ये है कि ये कंडीशन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो ये है आपका इफ स्टेटमेंट का पहला सिंटैक्स। अगर दूसरे सिंटैक्स की बात करें हम, तो इफ देते हैं फिर ब्रैकेट में कंडीशन देते हैं और यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट या एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी आप दे सकते हैं। और अगर ये सही नहीं है, देखिए एक तो है कि ये सही है तो ये एग्जीक्यूट करेगा,
और अगर ये सही नहीं है तो else वाले सेक्शन में आएगा और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एज में आपने कह दिया 20, अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि एज 18 से बड़ा है तो 20 18 से बड़ा है बिल्कुल, तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, प्रिंट क्या कर देगा आपके स्क्रीन पे एलिजिबल फॉर वोटिंग, else में आएगा ही नहीं, यानी else में तभी आता है जब if का ये कंडीशन फॉल्स होता है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ 20 नहीं देके 15 डाला होता सपोज कीजिए एज में, तो क्या होता 15 इज ग्रेटर देन 18, नहीं, तो कहाँ सीधे आता, सीधे आता else पे और क्या एग्जीक्यूट करता, नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो ये होता है सेकेंड सिंटैक्स इफ का। अब आते हैं एक कंसेप्ट आता है नेस्टेड इफ। देखिए नेस्टेड वर्ड इफ के साथ भी लग सकता है, नेस्टेड वर्ड जो है वो लूप के साथ भी लग सकता है। जब ये इफ के साथ लगता है इसका मतलब एक इफ के अंदर दूसरा इफ होता है, अगर ये लूप के अंदर लगता है तो एक लूप के अंदर दूसरा लूप होता है, यही कंसेप्ट होता है किसका, नेस्टेड इफ का या नेस्टेड लूप का। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए एक कंडीशन है इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, अगर ये ट्रू होगा तो फिर इसके अंदर आके फिर एक नया इफ मिल रहा है, मतलब एक इफ तो पहले था ही, जैसे उसके अंदर आए दूसरा इफ मिल गया, दिस इज कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ क्या, नेस्टेड इफ। तो एक्स अगर बड़ा है वाई से तो अंदर आए फिर चेक किए, एक्स अगर बड़ा है जेड से तो जाके हम कह सकते हैं कि मैक्स नंबर क्या है, एक्स है, अगर तीन नंबर में हमें चेक करना था क्या मैक्स कौन है, तो एक्स बड़ा होना चाहिए वाई से, तो यहाँ पे पहले चेक किया कि एक्स बड़ा है वाई से, बिल्कुल है, अंदर आया फिर चेक किया कि क्या एक्स बड़ा है जेड से, तो अगर होगा तो ये क्या कर देगा मैक्स नंबर इक्वल टू एक्स को प्रिंट कर देगा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ नेस्टेड इफ, बड़ा आसान सा कंसेप्ट है। नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर दूसरा, अगर इफ है नेस्टेड इफ अगर आप कहते हैं, तो अगर एक इफ के अंदर दूसरा इफ है तो दैट इज नेस्टेड इफ, एक लूप के अंदर दूसरा लूप है तो दैट इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं नेम्ड कंडीशन। ये एक बड़ा ही अच्छा सा टॉपिक है, छोटा सा है लेकिन बहुत अच्छा सा टॉपिक है। नेम्ड कंडीशंस आर यूज्ड टू स्टोर कंडीशंस, यानी कि अगर हम चाहें तो कंडीशंस को भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैं क्या करता हूं, ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, मान लीजिए ए में 5 है, ठीक है, बी में 4 है और सी में 3 है, तो यहां चेक कीजिए ए इज ग्रेटर देन बी तो 5 इज ग्रेटर देन 4 ट्रू है, एंड ए इज ग्रेटर देन सी यानी कि 4 इज ग्रेटर देन 3 ये भी क्या है ट्रू है, तो दोनों ट्रू है, सॉरी शायद मैं गलत बोल गया, ए इज ग्रेटर देन बी मतलब 5 इज ग्रेटर देन क्या 4, ठीक है, और फिर ए इज ग्रेटर देन सी यानी कि 5 इज ग्रेटर देन 3 दोनों सही है और ये दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, इसीलिए जब कोई भी कंडीशंस एंड से जुड़े हैं तो सारे के सारे क्या होने चाहिए ट्रू होने चाहिए, तो ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है, तो कंडीशन इस वेरिएबल में जो है वो आके क्या स्टोर हो जाएगा ट्रू, क्या स्टोर हो जाएगा ट्रू, और यहाँ पे इफ और इस कंडीशन की वैल्यू क्या हो जाएगी ट्रू, तो ट्रू है हाँ बिल्कुल है तो क्या प्रिंट कर देगा मैक्स नंबर इक्वल टू व्हाट ए, मतलब इस कंडीशन को जब आप क्या करोगे एग्जीक्यूट करोगे तो ये फाइनली आपको या तो ट्रू देगा या तो क्या देगा फॉल्स देगा, और ये जो भी आंसर देगा ट्रू या फॉल्स ये स्टोर हो जाएगा सी ओ एन डी नाम के वेरिएबल में, और इफ के साथ आप इसको क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ व्हाट नेम्ड कंडीशन, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है लूपिंग इन पाइथन। लूपिंग चूंकि देखिए ये सारे चीजें जो है वो ऑलरेडी 11th के रिवीजन टूर में है, इसलिए थोड़ी सी ज्यादा मैं फास्ट चल रहा हूँ, आप बस इसको रिवाइज कर लीजिए। तो लूपिंग क्या होता है कि लूप्स आर यूज टू एग्जीक्यूट अ सिंगल स्टेटमेंट और अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एंड टाइम टिल द कंडीशन इज ट्रू, यानी कि लूपिंग जो है वो कब तक एग्जीक्यूट होता है जब तक कोई दिया गया कंडीशन क्या है ट्रू है, एंड टाइम्स मतलब होता है बार बार वो चलते ही रहता है जब तक कोई दिया गया कंडीशन ट्रू है। Python provides two types of looping statement. पहला है while और दूसरा है कौन सा do while. For. There is a else statement. एक चीज और याद रखिएगा, आपके पास एक else statement भी होता है, while के साथ भी use कर सकते हैं, आप for के साथ भी use करते हैं और आप if के साथ भी use करते हैं। तो if के साथ कब use होते हैं जब ये condition false होता है, वैसे ही जब आप while और for के साथ else को use करेंगे इसका मतलब हुआ जो while को काम करना था जब वो काम कर लेता है successfully और उसका जब condition false हो जाता है तो आता है वो इस पे else पे, वैसे ही for पे जो भी आपको काम कराना था आपने वो काम करा दिया, जब वो काम पूरा complete हो जाएगा तो उसमें जो वो किस section में आएगा else वाले section पे आएगा अगर आपने else उसके साथ दिया हुआ है तो। तो अगर while और for के साथ else है तो वो तभी एग्जीक्यूट होता है जब while और for अपना काम कम्प्लीटली खत्म कर देता है, ठीक है। तो देयर इज else स्टेटमेंट इन लूप which is executed after the loop is terminated successfully, ये वर्ड याद रखिएगा, नहीं आपका लूप जो है वो टर्मिनेट होना चाहिए successfully, right? अब जैसे कि आपको पता है कि अगर while को अगर हम यूज करना चाहते हैं तो while देते हैं कंडीशन देते हैं कोलोन का साइन देते हैं और इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट आप लिखेंगे वो इस कंडीशन के ट्रू रहने तक लगातार बार बार एग्जीक्यूट होते रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि 1 से लेकर 10 तक को प्रिंट करने का प्रोग्राम लिखिए जो कि बहुत ही बेसिक प्रोग्राम है, तो मैंने यहाँ पे आई को क्या कर दिया 1 पे सेट कर दिया, कंडीशन क्या लगता है जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है और हम आई को क्या करते जा रहे हैं प्रिंट करते चले जा रहे हैं और 1 से बढ़ाते चले जा रहे हैं। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ व्हाट क्या व्हाइल
अगर आपको वाइल ये समझ में नहीं आया, मतलब आपने जो 11th में वाइल स्टेटमेंट पढ़ा है वो सही से नहीं पढ़ा है, मैंने 11th की भी जो है सीबीएसई की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें मैंने सारी चीजों को लाइन बाय लाइन समझाया, आप वहां जाके बड़े आसानी से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब आइए फॉर जो है, फॉर लूप भी वही काम करता है जो वाइल करता है। फॉर वेरिएबल इन रेंज, हम रेंज दे देते हैं, स्टार्ट वैल्यू देते हैं, एंड वैल्यू देते हैं और रेंज वैल्यू देते हैं, और स्टेटमेंट को क्या कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं। जैसे फॉर आई इन रेंज 1 से 11, तो याद रखिए ये हमेशा जो आप एक ज्यादा देते हैं, अगर आपको 10 तक जाना था तो आपने 11 दिया है, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए 20 तक प्रिंट करना था तो आपको यहाँ पे 21 देना पड़ता, मतलब क्या हुआ, जो भी आप वैल्यू यहाँ देंगे उससे एक कम तक ही क्या करता है, प्रिंट करता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो ये रेंज जो है वो ऑटोमेटिकली आपको स्टार्ट कर दिया 1 से, ठीक है, और कहाँ तक जाएगा, 10 तक, बार बार एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, आई की वैल्यू प्रिंट हो रही है, यानी कि प्रिंट होगा 1, 2, 3, 4, ऐसे ही कहाँ तक, 10 तक प्रिंट हो जाएगा। वैसे ही एक चीज यहाँ पे देखिए, 2 से स्टार्ट हो रहा है और 20 तक जा रहा है, देखिए 21 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, 20 तक जा रहा है, और कितना से बढ़ते हुए, 2 से, मतलब ये स्टेप वैल्यू जो है वो आप प्लस में भी डाल सकते हैं और माइनस में भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी 2 है तो 2 के बाद फिर 2 से बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर आगे 6 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, ऐसे बढ़ते चला जाएगा और 20 तक, 20 तक क्या करेगा, प्रिंट करेगा। मतलब स्टेप वैल्यू जो है यहाँ पे मैंने स्टार्ट एंड यहाँ रेंज लिख दिया, ये गलत हो गया, ये रेंज नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये होता है स्टेप वैल्यू, ये क्या होता है, स्टेप वैल्यू। स्टेप वैल्यू मतलब कितने से बढ़ना है, देखिए बाय डिफॉल्ट फॉर लूप 1 से बढ़ता है, तो अगर आपको मान लीजिए 2 से बढ़ाना है, 3 से बढ़ाना है, या 2 से घटाना है, 3 से घटाना है, 1 से घटाना है, मतलब माइनस में भी करना है, तो यहाँ पे आप यहाँ लिख देंगे -1, ठीक है, तो 1 से घटेगा, -2 तो 2 से घटेगा, +2 तो 2 से बढ़ेगा। अगर आप इस चीज को नहीं लिखते हैं, मतलब आप +2 -2 नहीं लिखते हैं, तो फिर ये क्या करता है, तो फिर ये बाय डिफॉल्ट 1 से ही हमेशा इंक्रीज करते रहता है। अब आते हैं जंप स्टेटमेंट्स के बारे में। जंप स्टेटमेंट जो है वो 2 तरह के हैं, ब्रेक है और कंटिन्यू है। ब्रेक क्या करता है, जहां पे भी ब्रेक आएगा वहां से लूप टर्मिनेट हो जाएगा, आगे वो लूप एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो वही लिखा हुआ है कि ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट्स द लूप इट लाइज विद इन, जहां जिस भी लूप में ये मिलेगा, जहां पे भी ये एनकाउंटर होगा, वहां पे ये क्या कर देगा, उसको टर्मिनेट कर देगा। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट, इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि ब्रेक इट ब्रेक्स द एग्जीक्यूशन ऑफ लूप whenever it is encountered, यानी जैसे ही ये मिलता है, जैसे ही encounter होता है, वैसे ही अपने loop के terminate को terminate कर देता है। जैसे for example, I को मैंने 1 पे डाला, जब तक 10 तक तब तक चलाना था, तो ये चेक करता है कि देखिए I पहले क्या है, 1 है ना, तो यहाँ पे जैसे ही चेक किया 1 less than 10 true है, I 5 है, नहीं I तो 1 है, तो ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, प्रिंट आई हो जाएगा। तो आई को प्रिंट करेगा तो क्या प्रिंट कर देगा, 1 को प्रिंट कर देगा, और आई इक्वल टू आई प्लस 1 करेगा तो आई की वैल्यू 2 हो गई। अब ये लूप है, तो लूप है तो फिर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, अभी भी वैल्यू लेस देन 10 है, तो 2 की वैल्यू लेस देन 10 है, बिल्कुल है, आई 5 है, नहीं है, तो ये ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं होगा, आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर आई की वैल्यू बढ़ेगी 3, तो वैसे ही 3 प्रिंट हो जाएगा, 4 प्रिंट हो जाएगा, और जब 3 और 4 प्रिंट होने के बाद आई की वैल्यू 5 होगी, यहाँ ऊपर जाएगा, 5 is less than 10, हाँ बिल्कुल लूप तो अभी भी चलना चाहिए था, लेकिन जैसे ही इसके अंदर आया, चेक किया कि आई की वैल्यू क्या 5 है, हाँ बिल्कुल आई की वैल्यू तो 5 है, वैसे ही ब्रेक कर दिया, जैसे ही ब्रेक कर दिया लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, आपका इतना ही आउटपुट आएगा 1, 2, 3 और 4, जबकि आपके लूप को चलना था 9 तक, लेस देन 10 मतलब क्या 9 तक, लेकिन जैसे ही 5 हुआ वैसे ही ब्रेक हो गया, इसलिए आपका लूप आगे काम करेगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट में और ब्रेक स्टेटमेंट में डिफरेंस बहुत पूछा जाता है। होता क्या है कि ब्रेक जो होता है जैसे ही एनकाउंटर होता है वैसे ही लूप टर्मिनेट कर देता है, जबकि कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, तो सिर्फ उस कंडीशन के लिए लूप को आगे नहीं चलने देता है, आगे भेज देता है, तो सिर्फ उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए जो है आपका लूप चलेगा नहीं, बाकी के लिए लूप बड़े आराम से चलेगा। जैसे आई 1 है, लेस देन 10 है, आई 5 है तो कंटिन्यू करेगा, जैसे 1 प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट करेगा, 3 प्रिंट करेगा, 4, जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी, तो 5 is less than 10, ये तो सही है, आई की वैल्यू 5 है, हाँ 5 है, तो कंटिन्यू कर दीजिए, कंटिन्यू मतलब यहीं से वापस भेज दीजिए, मतलब 5 प्रिंट तो हुआ नहीं, तो जब 5 नहीं प्रिंट हुआ तो मतलब उसके बाद की जो चीजें हैं, जैसे 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है, ये सारे क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। अब इसमें एक चीज, इस प्रोग्राम में थोड़ी सी मैंने गड़बड़ी कर दी है, देखिए आप क्या पता लगा सकते हैं कि इस प्रोग्राम में क्या गड़बड़ी है, काम कीजिए आप इस प्रोग्राम को पॉज कीजिए और फिर इस प्रोग्राम में बताइए कि क्या गड़बड़ी है, क्यों ये प्रोग्राम काम नहीं करेगा, ठीक है, ये प्रोग्राम काम नहीं करेगा जो मैं बताया, जैसे मैंने ये बताया ना कि सिर्फ 5 के लिए नहीं प्रिंट करेगा, बाकी के लिए प्रिंट करेगा, ये प्रोग्राम उसके लिए काम नहीं करेगा। लूप मतलब अपने इस वीडियो को पॉज करके खुद से सोचिए, मैं बता देता हूँ कि क्यों नहीं करेगा। इसका रीजन ये है कि जैसे यहाँ से ये कंटिन्यू करेगा तो आई की वैल्यू अभी भी 5 ही रह गई ना, मतलब आई 5 थी, 5 है, हाँ है, कंटिन्यू कर दिया यहीं से वापस चला गया तो 5 ही रह गया, 5 is less than 10, हाँ आई 5 है, हाँ कंटिन्यू, मतलब ये घूमते रह जाएगा,
ये आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो आपको क्या करना होगा, इस आई इक्वल टू आई प्लस वन को ना यहाँ से हटा के कहाँ डालना पड़ेगा, इस यहाँ डालना पड़ेगा, ताकि वैल्यू यहाँ पे पहले बढ़, यही यहाँ बढ़ जाए, ठीक है। और आई को यहाँ से कितने से स्टार्ट कर दीजिए, जीरो से, ठीक है। तो अब क्या होगा, 0 इज लेस देन 10, बिल्कुल सही है, आते ही एक से बढ़ जाएगा तो वन हो जाएगा। तो आई वन है, आई फाइव है, नहीं है, आई को प्रिंट कर देगा यानी वन को प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ से सीधे यहीं से ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 1 इज लेस देन 10, सही है, यहीं पे आई को बढ़ा देगा। तो आई का बढ़ना चूंकि इसको यहीं पे मिल जाएगा, तो आई तो बढ़ते रहेगा ना, तो फिर ये कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद भी जब ये ऊपर जाएगा तो आई बढ़ जाएगा। इसमें क्या हो रहा था, कंटिन्यू यहीं से हो जा रहा था, तो ये आई इक्वल टू आई प्लस वन तो एनकाउंटर ही नहीं हो रहा था, तो क्या होता, ये बार बार 5 ही रह जाता और लूप आपका टर्मिनेट ही नहीं होता। इसको कह देते फिर आप हमेशा के लिए, मतलब इनफाइनाइट लूप ये हो जाता, ठीक है। नेस्टेड लूप मैंने बताया भी थोड़ा देर पहले, इफ अगर एक इफ के अंदर दूसरा इफ है तो वो नेस्टेड इफ होता है, वैसे ही एक लूप के अंदर दूसरा लूप है तो वो नेस्टेड लूप होता है। जैसे ये फॉर एक है, इसके अंदर ये फॉर है, तो ये क्या हो गया, नेस्टेड लूप का कंसेप्ट हो गया, ठीक है। तो होता क्या है, इसके एक वैल्यू के लिए ये पूरा चलता है। जैसे फॉर आई इन रेंज 3, तो स्टार्टिंग को दिया नहीं, तो आई कितना पे सेट हो गया, 0 पे सेट हो गया, ठीक है। अब जे इन रेंज 3, तो मतलब जे कितना है, 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। तो देखिए जब आई 0 था तो जे 3 बार चला, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए। तो प्रिंट जे हो रहा है तो क्या प्रिंट करेगा, 0 प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट करेगा। फिर ये यहाँ से जब ये लूप टर्मिनेट होगा, फिर ये ऊपर आएगा यहाँ पे, यहाँ पे फिर आई की वैल्यू बढ़ेगी, तो आई 1 होगा। जब आई 1 होगा फिर से जे कितना हो जाएगा, 0 1 2 हो जाएगा, यानी कि फिर से ये 0 1 2 प्रिंट करेगा। फिर जब ये टर्मिनेट होगा ये ऊपर आएगा, आई बढ़ेगा कितना, 3। अभी भी फिर से जे कितना हो जाएगा, 0 1 2 हो जाएगा, यानी फिर से 0 1 2 प्रिंट होगा। अब जब ये बढ़ेगा तो ये 3 से क्या हो जाएगा, 4 इन टर्मिनेट, क्यों, क्योंकि रेंज तो 3 तक ही था। तो मतलब 0 1 2 कितनी बार प्रिंट होंगे, 3 बार प्रिंट होंगे। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ क्या, नेस्टेड लूप। तो ये आज हमने अपना फर्स्ट चैप्टर जो है वो खत्म कर लिया। तो पाइथन के रिविजन टूल का फर्स्ट चैप्टर ये खत्म हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में हम पाइथन का जो सीबीएसई 12th का जो सेकेंड चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स।